24 फरवरी को लुधियाना में नगर निगम चुनाव हुए थे। चुनाव के दौरान पोलिंग बूथों पर कब्जे व जाली वोट डलवाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के इस रवैये पर अकाली भाजपा के सीनियर लीडर ने कड़े शब्दों में निंदा की है और कांग्रेस के नेताओं पर धक्केशाही के आरोप लगाए हैं। नगर निगम चुनाव में जो भी घटनाक्रम हुआ था उसे देखते हुए अकाली भाजपा ने मांग उठाई है कि वो चुनाव दोबारा करवाएं। जो गुंडागर्दी का नंगा नाच कल लुधियाना नगर निगम चुनाव में हुआ, उसमें कांग्रेस के लोकसभा सांसद श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी और कांग्रेसी विधायक को का जो रोल रहा वो ना केवल निंदनीय बल्कि इसको आपराधिक रोल कहा जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। और ये इन्होंने बहुत बड़ा अपराध लुधियाना की लोगों से के साथ किया है, डेमोक्रेसी की हत्या की है, लोकतंत्र के हथियारों के रूप में अगर इनको कहा जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेंबर पार्लियामेंट 200 कारों के काफिलों में गुंडों के साथ बूथ कैप्चरिंग करने के लिए पहुंचे तो किस प्रकार के लोकतंत्र की आप आशा करते हैं ये आप समझ सकते हैं। हमारी डिमांड बिल्कुल सीधी और सीधी यह है कि ये चुनाव नहीं हुए, ये लूट हुई है कल लोकतंत्र के साथ, और लुधियाना नगर निगम के चुनाव दोबारा कराए जाएं और ये केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की देखरेख में हो। इलेक्शन कमीशन का जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुई थी तब भी हमने गवर्नर साहब के ध्यान में लाया था कि टोटल फेलर है, और अब भी मैं कह सकता हूं कि जो उसकी ड्यूटी बनती थी इलेक्शन कमीशन थी उन्होंने नहीं निभाई। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन का स्टेट को कोई फायदा नहीं, ही शुड क्विट। अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकते तो ही शुड क्विट, ही शुड पेरिश, क्योंकि इसके बाद पंजाब में इलेक्शन होगी पंचायत की, ब्लॉक समिति की, जिला परिषद की। अगर ये ग्राउंड लेवल से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो आगे एक डेमोक्रेसी कैसे बढ़ पाएगी। तो हम कल गवर्नर साहब से मिलेंगे, दोनों पार्टियां, बाकी दोनों पार्टियां की लीडरशिप वो टाइम अभी गवर्नर साहब देंगे, हम टाइम मांगेंगे। 5:30 बजे का शाम का टाइम प्रधान जी बता रहे हैं कि तय हो गया, उनको मिलेंगे, दोनों पार्टियां मिलकर बैठेंगी। हम किसी भी तरह से जो कांग्रेस की मंशा है कि सूबे में से डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाए इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। अभी तरीका लास्ट टाइम ये था कि बाहर खुलेआम इन्होंने आके अटैक करने शुरू कर दिए थे, इस बार थोड़ा तरीका चेंज हुआ कि मेंबर पार्लियामेंट, एमएलएस, कांग्रेस के और सीनियर लीडर्स वो भीड़ को साथ लेके सीधा पोलिंग स्टेशन में एंटर हुए, और जो वहाँ का पोलिंग स्टाफ था उसकी मिली बुक से सारी जाले वोटें जो है बताई गई, मीडिया को बाहर निकाला गया, मीडिया के कैमरे छीने गए, और हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको मार के वहाँ से भगा दिया गया। तो एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ मारपीट ना ही हो, जहाँ बूथ कैप्चिंग ना ही हो।